हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर विद पास्ट में। सॉरी फॉर द डिलेड, हम एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। वो आपका प्रोजेक्ट या आपकी सीरीज है करियर गाइडेंस से रिलेटेड, और टुडे नाइट या टुमारो उससे रिलेटेड लेक्चर आपका रिलीज होने वाला है। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर विद पास्ट में। यदि आप नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपकी क्यूरीज या डाउट्स है कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए। फ्यूचर भी पास्ट एज सून एज पॉसिबल कोशिश करेगा आपके डाउट्स और आपकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए। सो वेलकम टू द फ्यूचर विद पास्ट अगेन, जो आपकी हमारी पहले से सीरीज चल रही है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया, या आपके सोशल रिफॉर्मर्स। उसी में ही हम आगे डिस्कस करते हैं एक नया चेहरा, आपने ऑलमोस्ट उसका नाम सुना हुआ है। सो आइए उनसे मिलते हैं। गोपाल हरि देशमुख, ये आपके लोकहितवादी, ये आपके सोशल रिफॉर्मर हैं आज के लेक्चर के। इनके ऊपर चलो आगे डिस्कस करते हैं हम फर्दर डिटेल्स इनसे रिलेटेड। यदि हम गोपाल हरि देशमुख के बारे में डिस्कस करें तो ये एक महाराष्ट्र के समाज सुधारक और तर्कवादी थे। उसके बाद ये ब्रिटिश शासन के अधीन, मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन एक जज थे, लेकिन ये सामाजिक सुधार के मुद्दों पर लोकहितवादी के नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में लिखते थे। इन्होंने तार्किक सिद्धांतों एवं आधुनिक एवं मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर भारतीय समाज को पुनर्गठित करने की मांग की। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता की आलोचना की तथा सामाजिक एवं धार्मिक समानता पर बल दिया। लोकहितवादी साहब ने घोषणा की कि यदि कोई धर्म समाज सुधार की अनुमति नहीं देता है तो उस धर्म को परिवर्तित कर देना चाहिए। इफ रिलीजन डज नॉट सेंक्शन सोशल रिफॉर्म देन चेंज द रिलीजन, ये आपके गोपाल हरि देशमुखवादी का कहना है। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता पर चोट की और सामाजिक तथा धार्मिक समानता का समर्थन किया। उन्होंने हितेचु नामक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की और ज्ञान प्रकाश एवं लोकहितवादी नामक पीरियोडिकल्स की नींव डालने में अग्रणी भूमिका निभाई। लोकहितवादी साहब आपके महाराष्ट्र से थे और एक सोशल रिफॉर्मर थे, और इनकी साप्ताहिक पत्रिका लोकहितवादी के नाम से जो लिखते थे, इन्हीं के कारण इनका नाम लोकहितवादी पड़ा। ही वॉज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स इन इंडिया। ये ऐसे शख्स थे जिन्होंने आपका धार्मिक और सामाजिक समानता पर बल दिया था। आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्यूचर विद पास्ट के साथ जुड़े रहने के लिए। यदि आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है या क्यूरी है वो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हम तक पहुँचाइए। फ्यूचर विद पास्ट एज सून एज पॉसिबल करेगा आपके क्यूरीज को रिजोल्व करने के लिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। फ्यूचर विद पास्ट के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।